अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube चैनल में वेलकम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लैंड पैकिंग का यूज़ सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों किया जाता है, इसको पंप के किस पार्ट में लगाया जाता है और ग्लैंड पैकिंग कौन कौन से मटेरियल की बनी हुई होती है और इनको लगाते हुए हमको किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ग्लैंड पैकिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो ग्लैंड पैकिंग परचेस करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि ग्लैंड पैकिंग की सिलेक्शन बिल्कुल सही हो। अगर दोस्तों वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लैंड पैकिंग को सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों यूज़ किया जाता है। ग्लैंड पैकिंग का यूज़ सेंट्रीफ्यूगल पंप में उसलिए किया जाता है कि लिक्विड को सील किया जाए। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर का एक लिक्विड है जो शाफ्ट के रास्ते बाहर गिर सकता है, तो इसको सील करने के लिए ग्लैंड पैकिंग का यूज़ किया जाता है। आल्सो वी कैन यूज़ मैकेनिकल सील, बट टुडे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ग्लैंड पैकिंग। अभी हम देखेंगे कि ग्लैंड पैकिंग को सेंट्रीफ्यूगल पंप के कौन से पार्ट में लगाया जाता है। ग्लैंड पैकिंग को सेंट्रीफ्यूगल पंप के स्टफिंग बॉक्स में लगाया जाता है। स्टफिंग बॉक्स में ग्लैंड होजिंग बनी हुई होती है, वहाँ ग्लैंड पैकिंग इंस्टॉल होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये जो ग्लैंड होजिंग होती है उसका साइज़ जो है वो डिपेंड करता है ग्लैंड पैकिंग के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर ग्लैंड पुशर के ज़रिए उसे टाइट किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्लैंड पैकिंग मटेरियल। अच्छा, ग्लैंड पैकिंग बहुत डिफरेंट मटेरियल्स में आती है, जैसे यहाँ देख रहे हैं ग्रेफाइट, PTFE, कार्बन प्लस ग्रेफाइट, PTFE प्लस ग्रेफाइट, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आती है। अच्छा दोस्तों, अगर ये पांच चीज़ें आप सप्लायर को बताएंगे कि मुझे ये ग्लैंड पैकिंग चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो फ्लूड आप यूज़ करते हैं उसकी pH वैल्यू और उसका टेम्परेचर, प्रेशर, शाफ्ट स्पीड और स्टफिंग साइज़, बॉक्स का साइज़, तो सप्लायर आपको बिल्कुल एक्यूरेट और राइट मटेरियल के हिसाब से आपको ग्लैंड पैकिंग जो है वो रिकमेंड करेगा। अच्छा, अब दोस्तों हम ग्लैंड पैकिंग के इंस्टॉलेशन के बारे में देखते हैं कि स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले जो पंप में आपकी ओल्ड ग्लैंड पैकिंग है उसको सबको आपको रिमूव करना है। अच्छा, ग्लैंड पैकिंग रिमूव करने के बाद सबसे पहले आपको स्लीव की कंडीशन देखनी है कि स्लीव पे कोई स्क्रैचेस वगैरह डैमेज तो नहीं है, अगर हैं तो आपको स्लीव चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जैसे साइज़ कैसे लेते हैं, इसमें ये होता है कि स्लीव का OD और स्टफिंग बॉक्स ID, इसमें से आपका शाफ्ट का साइज़ आएगा। जैसे सपोज़ करें कि स्लीव का OD आता है 50 और स्टफिंग बॉक्स का ID आता है 80, तो ये हो जाएगा 30, 30 का हाफ हो जाता है 15, तो 15 mm की ग्लैंड पैकिंग यूज़ होगी। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि स्लीव के हिसाब से आपको ग्लैंड पैकिंग 45 डिग्री में कट करनी है, फिर वो देखना है कि 6 पीसेज, 8 पीसेज कितने लगते हैं, इंस्टॉल होते हैं उस हिसाब से। वैसे आप स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं, मगर 45 डिग्री में प्रॉपर सीलिंग होती है। अच्छा, अब आपको जो पहला पीस है उसको आपने ग्लैंड होजिंग में इंस्टॉल करना है और जो दूसरा पीस लगाएंगे वो आप 180 डिग्री अपोजिट लगाएंगे। अच्छा, फिर सारे जितने भी पीसेज हैं वो उस तरीके से इंस्टॉल करते जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते जाएं, मीन्स एक अपोजिट डायरेक्शन में, फिर दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अब आपको ग्लैंड पुशर को टाइट करना है। अच्छा, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, फ्री रखना है और उसके बाद पंप को चला के आपको इसको एडजस्ट करना है। अगर आप इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो आपकी ग्लैंड पैकिंग जो है वो बर्न हो सकती है, ओवरहीट हो सकती है। अच्छा, ग्लैंड पैकिंग जो होती है वो 100% सीलिंग नहीं करती। अगर आपको 100% सीलिंग करनी की ज़रूरत है तो वहाँ पे मैकेनिकल सील्स यूज़ होती हैं। अगर ग्लैंड पैकिंग ज़्यादा लीक कर रही है तो जो ये पुशर है इसको आप एडजस्ट करके मिनिमम ड्रॉप वाइज जो है जो अलोएबल लीकेज है उसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको हम एक केमिकल यूज़ कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो वहाँ पे हम ग्लैंड पैकिंग सिलेक्शन में जाएंगे या मैकेनिकल सील सिलेक्शन में जाएंगे, ये प्लीज़ कमेंट करके आप इस पर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स।